नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। भारतीय टीम के उपकप्तान केएल राहुल एक खिलाड़ी के लिए सिरदर्द बन गए हैं और उनकी वजह से उस खिलाड़ी का करियर भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि केएल राहुल ने टीम इंडिया में इस वक्त ओपनिंग बल्लेबाज की जिम्मेदारी रोहित शर्मा के साथ संभाली हुई है। इसके अलावा वो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। हालांकि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक विकेट कीपर के तौर पर टीम इंडिया में शामिल हैं। ऐसे में एक खिलाड़ी का करियर केएल राहुल की वजह से खत्म होता हुआ दिख रहा है और वो खिलाड़ी हैं ईशान किशन। जी हाँ, आपको बता दें कि ईशान किशन को लगातार दरकिनार किया जा रहा है केएल राहुल की वजह से, क्योंकि केएल राहुल ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में ईशान किशन के लिए और कोई स्पॉट बच नहीं रहा है। केएल राहुल का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा हाल फिलहाल में नहीं रहा, इसीलिए सब कह रहे हैं कि ईशान किशन को आजमाया जा सकता है और केएल राहुल की जगह ईशान किशन को टीम में मौका दिया जा सकता है। आपको बता दें कि एशिया कप में केएल राहुल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि कमजोर अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने जरूर धमक वाली बल्लेबाजी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, टीम इंडिया एशिया कप से बाहर हो चुकी थी। इसके अलावा केएल राहुल का स्ट्राइक रेट भी बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में रहा है, जबकि ईशान किशन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो रोहित शर्मा के साथ टीम इंडिया को हमेशा तेज शुरुआत दिला सकते हैं। हालांकि जब उन्हें T20 विश्व कप में मौका दिया गया था, तब ईशान किशन भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे में केएल राहुल फिर से टीम में वापस आए थे और ईशान किशन की तब से टीम में जगह नहीं बन पाई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईशान किशन को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज में मौका दिया जा सकता है और उन्हें टीम में खिलाया जा सकता है। T20 विश्व कप के नजरिए से उनकी जगह टीम में बनती है, वो स्टैंड बाई प्लेयर के तौर भी टीम में जा सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल अगर वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो फिर वहां पर ईशान किशन को मौका दिया जाना चाहिए। फिलहाल सब यही कह रहे हैं कि केएल राहुल ने ईशान किशन की जगह खा रखी है और वो लगातार ईशान किशन को दरकिनार करने में लगे हुए हैं। फिलहाल देखना होगा कि ईशान किशन को टीम इंडिया में मौका कब मिलता है और कब वो खेलते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, केएल राहुल बेस्ट हैं या फिर ईशान किशन को टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।